कि श्री राम जानकी। महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ। पता पता है क्या हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया। दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है। गांव में हम लोग का यही एक पूजा होता था। पाक मुस्लिम ने गाया राम का भजन, भाई क्या वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप कि कैसे राम का भजन कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक मुस्लिम व्यक्ति, पाकिस्तान के मुस्लिम व्यक्ति ने भगवत गीता गा दिया है सोशल मीडिया पे, इतनी तेजी से वीडियो वायरल चल रही है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर में एक जूस के दुकान पे एक हिंदू व्यक्ति जाता है जूस पीने के लिए, उसके साथ में जो हरकत होती है वो भी वीडियो क्लिप में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दुबई से जो है गुस्से में ऐसी बात बोल दी है वो भी वीडियो क्लिप में आपको दिखाने वाला हूँ। तमाम तरह की जो है वीडियो आई है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर में एक जूस के दुकान पे एक हिंदू व्यक्ति, पाकिस्तानी हिंदू व्यक्ति जाता है और उसके साथ में क्या होता है, ये वीडियो क्लिप आप देख लीजिए। पानी हमने पी लिया, अब हम गिलास अपने धो लेते हैं जी। हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम लेते रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धोकर रख देते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे जो बर्तन है वो लेते रखे जाते हैं, वो हाथ भी नहीं लगाते, पूरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना। ऐसा ना बताए क्या हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई, इसलिए डरते हैं भाई। पाकिस्तानी मुस्लिम जो है भगवत गीता गा दिया है और सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से वीडियो वायरल चल रही है, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, शब्द दिघोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिघोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। पाकिस्तानी मुस्लिम जो है राम का भजन कर दिए हैं और इस पे जो है इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल चल रही है। ये वीडियो क्लिप आप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो श्री राम जी हनुमान जी क्या कह रहे कि श्री राम जानकी बेटे मुस्लिम भाई ने हिंदू के बारे में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें इस वीडियो में यही बोला गया है कि हिंदू में अगर कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, ये वीडियो क्लिप देख लीजिए तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। राम राम आए, राम के लिए नमः नमस्कार करो झुको, यानी अपने राम के सामने नहीं बल्कि उस राम के सामने जो तेरे राम का भी राम है। इसलिए हिंदुओं में जब कोई मर जाता तो कहते हैं राम राम सत्य है, अर्थी देते हो, अर्थी देते वक्त शमशान घाट में ले जाते वक्त क्या कहते हैं, राम राम सत्य है, अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है, हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते, राम राम आए सत्य, राम का राम सच्चा है, यानी राम राम सच्चा है, मतलब ये हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसी बात बोल दी है कि हम लोग भी जो है नवरात्रि में दुर्गा पूजा और जो है काली पूजा करते हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से वायरल चल रही है, ये वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है और जितना भी यहाँ का जो कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं, नवरात भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से। कोई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है कि लेबर को ये बात जरूर समझनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, पहले आप दुबई से की बात सुन लीजिए। आदमी ने हमको बोला तुम वीडियो में आया और तुम्हारा उंगली ऐसा तो बहुत हो सका, हम गुस्सा कैसे नहीं होएगा जब हम देखेंगे कोई गरीब से चोरी करते, इन लोग नहीं सोचते ये एजेंसी लोग जो किधर भी होएगा, ये गरीब को
झूठ बोल के बोलते आओ इतना पैसा दियो तुमको दुबई में काम मिलेगा, और लोग विजिट वीजा देते हैं उन लोग को, और बेचारा लोग इधर आते पछता है क्योंकि 2 महीने का वीजा भी है, 3 महीने का वीजा भी है, पर अगर खलास हो गया तुम्हारा वीजा तुम हर रोज तुम्हारा जुर्माना है। और ये बेचारा गरीब नहीं जानते, वो तो एजेंसी था उसका पैसा पकड़ा, तुम नहीं सकते किधर भी शिकायत करेगा। ये याद रखो विजिट वीजा में तुम नहीं सकते शिकायत करेगा क्योंकि तुम विजिट वीजा में। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग संभालो, थोड़ा अकल से काम करो, देखो क्या गलत है क्या नहीं, सीधा वीजा दियो पैसा पकड़ो, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, तुम लोग थोड़ा सोचो। और बहुत आदमी हमको बोलते हैं तुम किधर काम करते हैं, यार हम कोई गवर्नमेंट में काम नहीं करते, ये हमारा गरीब लोग का हमारा दिल दर्द करते हैं गरीब लोग के लिए, इसलिए हम ऐसा बात करते हैं। हम किधर काम नहीं करते क्योंकि हम हिंदी मालूम है इसलिए हम बात करते हैं, उर्दू मालूम है इसलिए हम बात करते हैं, सब हम मानते हैं गरीब लोग को हेल्प करेगा, लेकिन नहीं हेल्प करेगा कि हम पैसा देगा या हम बोलेगा आओ हमारे पास काम करो, नहीं हम मानते हैं लोग को रास्ता दिखाएगा, साफ रास्ता दिखाएगा। तो किसी का भरोसा मत करो। आजकल बेटा बाप से चोरी करते हैं, भाई भाई से चोरी करते हैं, तो तुम लोग क्या चीज़ है, इन लोग तुमको चोरी नहीं करेगा यार, चोर लोग से बचो, चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई के शेख ने कितनी अच्छी बात बोली है और कितनी बेहतरीन बात समझाई है लेबर के लिए, तो आप लोग प्लीज समझ जाइए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।